हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो आप निफ्टी का डेली चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो. क्लीन एंड क्लियर साइडवेज मूवमेंट चल रहा है. अगर आप लास्ट 4-5 दिन का कैंडल देखो, ये जो बड़ा रेड कैंडल है इसी के इनसाइड 4-5 कैंडल बन चुका है. सो अब किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है ये. मुझे लगता है हायर चांसेस से ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है. अगर आप देखो फॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा. इंट्राडे में फॉल होता है, वापस हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है. और 12,000 के ऊपर अगर गया तो 12,200 12,300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. सो निफ्टी काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 12,000 के ऊपर, 12,200 एंड 12,300 के टारगेट के लिए. सो आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है. इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा. 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज़्यादा मत रखना. 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करना 12,200 या 12,300 के टारगेट के लिए. अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल था इसका हाई ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है. और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो लगातार हमें रिकवरी देखने को मिल रही है. बैंक निफ्टी भी अगर 24,500 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 25,000 के टारगेट के लिए. सो बैंक निफ्टी में भी आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है. 24,500 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा. अगर वो सस्टेन करता है तो आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो 25,000 एंड 25,500 के टारगेट के लिए. सबसे पहला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट. मुझे इसमें सेलिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये डेली चार्ट पे इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और मुझे लगता है इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है. अल्ट्राटेक राउंड ऑफ नंबर के आसपास है, 4,500 के आसपास. अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से 100-150 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है. अल्ट्राटेक इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा शॉट रहेगा. एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है और यहाँ से लगता है 100-150 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर. देखो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक कर सकते, ठीक है. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से 5-6% का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा. एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है. लास्ट स्टॉक होगा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज. बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखो यहाँ पर बुलिश हरामी एक पैटर्न बना है. बुलिश हरामी एक पॉजिटिव पैटर्न होता है. अगर इसमें फॉलो थ्रू ग्रीन कैंडल बनता है तो ये काफ़ी अच्छा बाय रहेगा. एक्जैक्टली कौन सा लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन 1400 के ऊपर ये काफ़ी अच्छा अपमूव दिखा सकता है. सो इंट्राडे के लिए और पोजिशनली आप इसमें ट्रेड कर सकते हो. बाइंग की तरफ आपको ध्यान देना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में. सो आज के लिए वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.